वेलकम टू शेफ निशु क्वीन चैनल। आज हम इस वीडियो में आइसक्रीम ओरियो शेक बनाएंगे। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जो रेड कलर का बटन है उसे क्लिक करके आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब हो जाइए। और वो जो बेल का आइकन है उसे क्लिक करके आप मेरे वीडियो के बाकी अपडेट्स इजीली पा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने ओरियो बिस्किट लिया है, इसे हम पैकेट से निकाल लेंगे। अब हम बिस्किट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम इसे डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट्स में। इसे इस तरह से ओपन कर लेना है। हम क्रीम और बिस्किट एक साइड पर रखेंगे और ये जो नॉर्मल बिस्किट है इसे हम एक साइड रखेंगे, इसका हम पाउडर बनाएंगे। तो चलिए अब हम सारे बिस्किट्स को अलग कर लेते हैं। हमने सारे बिस्किट्स को अलग कर लिया है। अब हम एक जूसर लेंगे, इसमें हम अपने बिस्किट्स को डाल लेंगे। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क मैंने 1 कप लिया है। अब हम ऐड करेंगे कुछ आइस क्यूब्स। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से। हमने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। आप ये देख सकते हैं, हमारा ओरियो शेक रेडी हो गया है। जो हमने अलग से बिस्किट लिए थे उसे हमने ग्राइंड करके पाउडर्ड कर लिया है। यहाँ पर हमने एक ग्लास ले लिया है। अब हम हर्षी सिरप लेंगे, इससे हम अपने ग्लास को पूरा डेकोरेट कर लेंगे। अच्छी तरह से ग्लास में डाल के हम पूरे ग्लास में स्प्रेड कर लेंगे। अब हम अपने पाउडर्ड बिस्किट को डाल लेंगे ग्लास में। अब हम अपने ओरियो मिल्क शेक को अपने ग्लास में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम फिर से अपने पाउडर्ड बिस्किट को यूज करेंगे। यहाँ पर आप आइसक्रीम यूज कर सकते हैं या फिर आप आइस क्यूब्स यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आइसक्रीम यूज करने वाली हूँ, चॉकलेट फ्लेवर वाला। अब हम इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे चोको रोल की मदद से। आप इसे चॉकलेट रोल भी बोल सकते हैं, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। हमारा चॉकलेट आइसक्रीम ओरियो शेक रेडी हो चुका है। इस गर्मी के मौसम में आप इस आइसक्रीम ओरियो शेक को बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग शेफ निशु क्वीन।